इंस्टाग्राम स्टोरीज की खतरनाक निंजा टेक्निक, जिसकी मदद से आप अपनी स्टोरीज को बहुत तगड़ा शो ऑफ कर सकते हो और दिखा सकते हो, मेरे पास है एक एक्स फैक्टर। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के डायरेक्टली इस वीडियो में चलते हैं और देखते हैं इंस्टाग्राम के कुछ ऐसे हैक्स स्टोरीज के, या फिर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से शो कर सकते हो। सो सीधे चलते हैं वीडियो तरफ। सो लेट्स चेक इट आउट। तो इसमें हम पांच तरीकों की बात करेंगे। सबसे पहले, जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो टिप्स और ट्रिक्स है एंड्रॉयड और iOS दोनों में काम करेगी, बट मैं यहाँ पर एंड्रॉयड में दिखा रहा हूँ। तो एंड्रॉयड में जैसा कि आप देख सकते हो, OnePlus 6 है, ये मेरा एक प्राइमरी डिवाइस है, तो इसी को मैं अपने एज ए डेली ड्राइवर की तरह यूज़ करता हूँ और इसी में मैं प्रॉपर बता पा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम इंस्टाग्राम खोलेंगे, तो आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पूरा वाइट है। अब आजकल डार्क मोड का बहुत तगड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो उस ट्रेंड को देखने के लिए अपने को क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके डार्क मोड के अंदर जाना है और डार्क मोड को ऑन कर देना है। अब ये अलग अलग फ़ोन में अलग अलग सेटिंग्स के डिपार्टमेंट में होगा, आप वहाँ पर डार्क मोड सर्च कर सकते हो और उसके बाद आपका इंस्टाग्राम भी डार्क मोड में हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी OLED डिस्प्ले के लिए बैटरी सेविंग फीचर है। हालांकि ये जो डार्क मोड का फीचर है वो एंड्रॉयड 10 में तो सब में देखने को मिल जाएगा, हो सकता है एंड्रॉयड 8 या 9 में भी देखने को मिल जाए, बट इससे अगर पुराना एंड्रॉयड है आपका तो आपको अपने फ़ोन में डार्क मोड देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये डार्क मोड कितना क्लासी लग रहा है और हमारे फ़ोन की जो OLED डिस्प्ले है उसके चार चांद लगा रहा है। तो ये था पहला फीचर। अब चलते हैं हमारे दूसरे फीचर की तरफ। ये तो हालांकि स्टोरीज का फीचर नहीं था, ये तो ऑल ओवर इंस्टाग्राम का फीचर था। तो अब अगले फीचर की बात कर लेते हैं जो कि हमारा इंस्टाग्राम स्टोरी से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इस इफेक्ट के लिए आपको क्या करना है, फ़ोटो क्लिक करनी है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपको जाना है स्टिकर्स में। स्टिकर्स में सर्च करना है डायमंड। तो डायमंड सर्च करने के बाद हमें ये वाला डायमंड निकालना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये काफ़ी कलरफुल डायमंड है। अब इसको क्या करना है, हमें अपनी दोनों फिंगर यूज़ करके पूरी स्क्रीन पर कर देना है और जिसकी मदद से आपको इस टाइप की वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब ये हमारा स्टिकर सेट हो गया है। अब इस वीडियो को हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम इसे वापसी मतलब सारी स्टोरीज काट देंगे और स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से स्टार्ट करने के बाद ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे और हमारा डायमंड आ जाएगा। अब यहाँ पर इस डायमंड के साथ साथ आपको एक और फीचर का पता लगेगा। अब आप राइटिंग वाले पे क्लिक कीजिए मार्कर पे, उसके बाद कोई भी कलर सेलेक्ट कीजिए। अब इन कलर्स के साथ साथ आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। किसी भी कलर पैलेट पे काफ़ी देर तक होल्ड कीजिए तो आपको अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ मिल जाएगी कोई भी कलर सेलेक्ट करने की। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, पूरे कलर पैलेट में से कोई सा भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद उस कलर को सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी स्क्रीन पर लॉन्ग होल्ड कीजिए और वो कलर आपकी पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो जो आप केवल लिखते थे ना, उसकी जगह पूरी स्क्रीन की एक लेयर आपकी इस वीडियो के ऊपर आ जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। बट इससे होगा क्या, इससे होगा ये, इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे इरेज़र को, जो कि एक मैजिक इरेज़र है, और इरेज़ कर देंगे। हमें कुछ भी लिखना है, मान लो कुछ टीज़ करना है अपने बारे में, तो उसे लिख देंगे और नीचे वाला जो डायमंड था ना, जो कलरफुल वीडियो थी, वो झलक के आने लगेगी और वो इफ़ेक्ट काफ़ी बेहतरीन लगता है स्टोरेज में। और आपसे लोग ज़रूर पूछने वाले हैं कि भाई ये कैसे किया, मुझे भी सिखाओ। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, इसको यूज़ करके आप अपनी स्टोरीज़ को काफ़ी टीज़ कर सकते हैं। अपनी कोई नई चीज़ लॉन्च वगैरह कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी यूनिक है और काफ़ी कम लोगों को इस बारे में पता है। तो जुगाड़ है, ट्राई कर लीजिए। अब सेकंड जो ट्रिक है वो भी कुछ इसी टाइप की है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फ़ोटो खींचनी है जाके। फ़ोटो खींचने के बाद आपको टाइपिंग टूल ओपन करना है, वहाँ पे लिखना है डॉट। डॉट के बाद आपको देने हैं बहुत सारे स्पेसेस, बहुत सारे, क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद एक और डॉट लगा देनी है, उसके बाद इसे बाउंड्री देंगे हम। और जैसे कि आप देख सकते हो, हमें वाइट बाउंड्री मिल गई। अब हम इसे ग्रीन कर लेते हैं, चलो फॉर अ चेंज, और इसको कर देते हैं बड़ा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ग्रीन कलर का मैंने बॉक्स बना लिया है और इससे आप एक बैकग्राउंड बना सकते हो काफ़ी आसानी से अपने स्मार्टफोन में। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हम एक और बॉक्स बना लेते हैं और इसे कलर कर लेते हैं हम ब्लू। तो अब हम सेम चीज़ करेंगे, बट हम कलर अलग चूज़ करेंगे और इसको भी बॉक्स को बड़ा कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे पास एक अच्छा बैकग्राउंड तैयार हो जाता है। इसके अलावा आप और भी कलर चूज़ कर सकते हो, जितने चाहे बॉक्सेस लगा सकते हो, जितने चाहे स्टाइल्स बना सकते हो अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग। क्रिएटिव हो जाओ और अच्छी अच्छी स्टोरीज बनाओ। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, जिसे आप यूज़ करके अच्छा बैकग्राउंड बना सकते हो। इस पर कुछ आप लिख सकते हो, इस पर आप फोटोज़ लगा सकते हो, इसको सेव करके अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हो। आप इनको वॉलपेपर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी लाइक इंस्टाग्राम स्टोरीज़ का फुल यूज़ करने वाली बात है कि हम इस तरह से भी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब अगला फीचर इसी से रिलेटेड है। तो आप कोई भी फ़ोटो क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप कलर चूज़ कीजिए,
बट इस बार हमें मार्कर सेलेक्ट नहीं करना है, हमें वो वाला मार्कर सेलेक्ट करना है जिसकी स्लैंटेड एज है, जो टिप है ना वो हल्की सी कटी हुई सी है, उसे सेलेक्ट करना है। उसका मतलब है वो ट्रांसपेरेंट मार्कर है। ट्रांसपेरेंट मार्कर है तो जो हमने पिछली बार किया था, अगर हम वो सेम यहाँ पर करेंगे, मतलब कोई भी कलर सेलेक्ट करके स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो वो एक ट्रांसपेरेंट कलर की लेयर बन जाएगी जिसकी मदद से आपका बैकग्राउंड भी नहीं छुपेगा और एक काफ़ी कलरफुल इमेज आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसको हम कंबाइन कर सकते हैं हमारे दूसरी ट्रिक के साथ भी, जो कि हमारा डॉट लिख के स्पेस देके दोबारा डॉट लिखने वाला था, उसमें करने के बाद हम ट्रांसपेरेंट ब्लॉक्स बना सकते हैं अलग अलग और अपनी स्टोरीज को काफ़ी क्रिएटिव वे से शो कर सकते हैं कि भैया हमारी स्टोरीज इतनी बढ़िया है आप देख लो। तो स्टोरीज़ का क्या होता है, आपकी जो ऑडियंस है उसको एंगेज करती है स्टोरीज, और आपकी स्टोरीज जितनी क्रिएटिव होगी उतनी ही इंगेजमेंट ज़्यादा होगी। तो ये आपके तरीके हैं, आपको क्रिएटिव मेजर्स बताए जा रहा हूँ मैं, जिनकी मदद से आप अपनी स्टोरीज़ को बहुत नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी शो कर सकते हो। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि वो है फोर्थ फीचर या फिफ्थ फीचर है हमारे शायद, हाँ, बूमरैंग वाला। तो बूमरैंग पहले आप नॉर्मल बनाते थे, बट ये बात कईयों को नहीं पता कि इंस्टाग्राम ने बूमरैंग की जो फीचर है उसको अपडेट करके और बेहतर कर दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक बूमरैंग शूट किया। बूमरैंग शूट करने के बाद यहाँ पर ऊपर एक बूमरैंग का साइन है, इस पर क्लिक कीजिए। इसकी मदद से सबसे पहले तो आप बूमरैंग को ट्रिम कर सकते हो कि भैया मेरे को लास्ट वाला पार्ट थोड़ा नहीं चाहिए, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा बंदा आ गया था उसे मैं काट देता हूँ, तो उसे काट दो भैया बहुत जल्दी। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रिम वाली जो टाइमलाइन है, इसके ऊपर तीन और ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें एक है स्पीड का, जिसमें हल्की सी स्पीड कम हो जाएगी। तो जो सेकंड है वो है घोस्ट या इको इफेक्ट। इको इफेक्ट की मदद से आपका भूतिया जो है स्टोरी के अंदर इफेक्ट आ जाता है, और आपको कोई ऐसी चीज़ दिखानी हो, कोई ऐसी स्टोरी आपने रिकॉर्ड की जिसमें आप चाहते हो एको आए, तो वो काफ़ी अच्छा है। और जो लास्ट वाला है वो है डॉट, जो कि ग्लिच की तरह है, जो कि आपकी स्टोरीज़ के जैसे लाइक बूमरैंग हुआ जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ से वापसी आते हुए वो एक ग्लिच देगा, जो कि काफ़ी यूनिक और काफ़ी बढ़िया लगता है। और लोग आपका बूमरैंग देख के ज़रूर पूछने वाले हैं कि भैया ये ग्लिच कैसे किया, हमें भी बता दो। अब अगला फीचर है लेआउट का। लेआउट एक काफ़ी जनरल और काफ़ी छोटी चीज़ है, बट इन्हें लोग यूज़ नहीं करते, बट इनकी मदद से आप स्टोरीज़ को काफ़ी अच्छा बना सकते हो। इसकी मदद से जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक BTS फ़ोटो शूट की है, जिसमें मैंने कैमरा शो किया। इसके बाद हमारा जो बैकग्राउंड था, जो मैंने स्मार्टफोन के नीचे रखा हुआ है, वो पिक्चर क्लिक की, साथ साथ अपनी एक सेल्फी की पिक्चर क्लिक की। तो ये जो है लेआउट काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये BTS की तरह काफ़ी अच्छा यूज़ किया जा सकता है। लेआउट के बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स हैं जिन्हें आप यूज़ करके अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। और एक बोनस फीचर एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए, आप जब मार्कर क्लिक करते हो तो उसमें कोने में एक स्प्रे कैन का दिल सा कुछ साइन है, इस पर क्लिक कर दीजिए और ये स्प्रे कैन फीचर आ जाता है। स्प्रे कैन को कम ज़्यादा कर लीजिए, आप दिखा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो BTS में ये बनाने के बाद एक अलग सी ग्लो सी आ गई, लाइक काफ़ी अच्छा और यूनिक स्टोरी लग रही है ये हमारी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, और ये स्प्रे कैन फीचर iOS में अभी भी अवेलेबल नहीं हुआ है। तो एंड्रॉयड वाले खुश हो जाओ, आपके लिए एक नया फीचर ऑलरेडी इंस्टाग्राम ने ऐड कर दिया है। तो धीरे धीरे और फीचर्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम में ऐड होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे हम उनके बारे में कोई ना कोई ट्रिप्स एंड ट्रिक्स या फिर निंजा टेक्निक्स लेकर आते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको इन सब में से कौन सी ट्रिक पसंद आई उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।